नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। पल पल राजस्थान में आज हम मुलाकात करेंगे श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराणा से, और हम जानेंगे कि आगामी 23 सितंबर को उदयपुर में आयोजित होने वाली न्यायाधिकार महासभा में क्या आपकी मांगे और किन मांगों को लेकर आप यहाँ सभा कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। 23 सितंबर को आयोजित होने वाले न्यायाधिकार महासभा में किस तरह की मांगों को लेकर आप उदयपुर में सभा कर रहे हैं? न्यायाधिकार हमारा वैसे तो स्थापना दिवस है, 17वां स्थापना दिवस, 17 साल पूरा करके हम 18वें साल में प्रवेश करेगी कंडीशन बालिग होने जा रही है, और जैसा कि सबको मालूम है कि 18 साल का बच्चा वोट दे सकता है। वैसे अब समाज में एक संशय रहता है कोई भी नई संस्था के लिए, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, समाज का भला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या समाज को, कई सारी संस्थाएं हैं जो खरीद विरोध करती रहती है, समाज को बेचने का काम करती है पॉलिटिकल पार्टियों के सामने, या कई सारी और जगह दलाली हमाली का काम कई सारी संस्थाएं करती है। पर अब 18 साल हो गए, 14 साल बाद में राम श्री राम भगवान हो गए थे, 12 साल में वनवास काट के पांडव घर आ गए थे, 18 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, एक नई एक पूरी पीढ़ी खड़ी हो जाती है। 18 साल का मतलब एक नई पूरी पीढ़ी का, एक बालिग पीढ़ी का खड़ा होना। हम लोगों ने 18 साल में समाज के लिए क्या क्या किया पूरा देश जानता है, और हमारी हर एक आम और हर एक खास, कोई भी राजपूत हो, कोई भी क्षत्रिय हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी परिवार हो, चाहे शाही परिवार हो, राजशाही परिवार हो, रॉयल फैमिली हो, चाहे आम झोपड़ी का राजपूत हो, हमने सबकी हर जगह जाके मदद करी है पूरा देश जानता है। 17 साल से अधिक निरंतर कालवी साहब के पच्चीनों पर एक करनी से ना चलिए, और अब 18वें साल में प्रवेश, और सबकी डिमांड थी कि ऐसी एक नई ऊर्जा का संचार किस जगह से हम प्रोग्राम करें, एक ऊर्जा का संचार हो पूरे युवा पीढ़ी में, पूरे समाज में, उस करणी सेना के हर एक पदाधिकारी में, क्योंकि अब कालवी साहब हमारे साथ नहीं है। लोकन सिंह जी कालवी, स्वर्गीय लोकन सिंह जी कालवी अब हमारे बीच में नहीं है, प्रभु के चरणों में उनको स्थान मिले, 100 साल उनके पूरे हो गए, स्वर्गवास उनके थोड़े दिन पहले हो गया था, थोड़े महीनों पहले। अब उनके बिना ये पहला प्रोग्राम है, और हम लोग चाहते हैं कि ये ऐसी एनर्जी से ये वापस से रिपीट और खड़ी हो, क्योंकि सबके मन में कहीं ना कहीं एक भावना एक घर कर गई है कि कालवी साहब के बिना करणी सेना, क्यों हम भी, हमने कभी सोचा नहीं है करणी सेना कालवी साहब के बिना चलेगी क्या, पर अब चलानी पड़ेगी, उनकी विचारधारा को जिंदा रखना पड़ेगा, वो नहीं है तो अब ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है हर एक करणी सैनी की, हर एक राजपूत की। तो वो धरती कौन सी हो जहाँ से खड़ा हो, तो सबका एक मैसेज आया, एक नाम आया, एक सब ने एक बात करी, पुरजोर तरीके से अपनी अपनी बात रखी, वो थी मेवाड़ की एक पावन धरा, घास की रोटी खाकर जहाँ राजपूत सालों संघर्ष कर सकता है, ये वो धरा है जहाँ पूरे विश्व में जिसकी पहचान है। हमने यहाँ की जगह को चुनित करा कि हमें मेवाड़ में करना है, उदयपुर में करना है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इन 70-80 सालों में जब भारत आज़ादी के, आज तक इतना बड़ा आयोजन इस मेवाड़ की धरा पर नहीं हुआ होगा जो आयोजन आपको 23 सितंबर को दिखेगा। किन मांगों को लेकर आप यहाँ आए हैं? 17 सूत्री मांगे आप बता रहे हैं, प्रमुख किस तरह की मांगे? मैं बताऊँ आपको, पहला तो मैं इसीलिए बोला, हमारा स्थापना दिवस है, और जब हम लाखों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और 3 महीने बाद चुनाव है, तो बिना मांगे तो माँ अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती, बच्चे को दूध नहीं पिलाती। तो हम इसलिए तय करा हम लोगों ने कि कुछ मांगा जाए समाज के लिए, समाज का करोड़ों रुपया लगेगा यहाँ आने जाने के लिए, पता ही नहीं कितने लोग कैसी परेशानी को झेलते हुए यहाँ पहुँचेंगे, तो क्यों ना समाज का भला भी इसी स्थापना दिवस पे करें। तो हमने इसका नाम रखा न्याय अधिकार, हमें समाज को न्याय मिले और हमारे अधिकारी को हम बात करें। 17 मांगों की एक लिस्ट हमने बनाई, सबसे ऊपर पहली जो इस मेवाड़ की, इस देश की आवाज है, वो है महाराणा प्रताप की जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे समर्थन चाहता हूं, महाराणा प्रताप की जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा हो, पूरे देश को मालूम चले आज हमें क्यों छुट्टी मिली है, उन महाराणा के लिए जिन्होंने स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक वो माने जाते हैं, सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी वो माने जाते हैं, उनकी छुट्टी हो, उनकी जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश हो। पहला, EWS आरक्षण को 10 से 14% करा जाए, जो इसमें कई सारे व्यवधान है केंद्रीय स्तर पर उसको सुधारा जाए, आयु सीमा में छूट मिले, हमारे बच्चों को आयु सीमा में छूट मिल लीजिए, कंपटीशन जो जितने भी एग्जाम है उसमें, पंचायती राज
नगर निगम नगर निकाय चुनाव में 10% के हिसाब से हमें भी सीटें हमारी आरक्षित हो। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन हो नेशनल स्तर पर, जो आम गरीब राजपूत सरकारी हॉस्टल में फ्री में पढ़कर कुछ कर सके, उनको सुविधाएं मुहैया हो सरकार की तरफ से। खूब सारे ऐसे मुद्दे हैं। अभी यहाँ पे उदयपुर का जघन्य अपराध हुआ कन्हैयालाल हत्याकांड, उसमें 2 लड़के यहाँ के रणबाकुरे पला सिंह और शक्ति सिंह, उनको किसी सरकारों ने किसी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। हम चाहते हैं हमारे मन से उनको सम्मानित हम लोग करें और सरकार भी उसको नेशनल अवार्ड दिलाएं, जो भी राष्ट्रीय अवार्ड राष्ट्रपति के हाथों से जो अवार्ड मिलता है वीरता अवार्ड, वो उनको मिले, गैलेंट्री अवार्ड मिले और उनको सरकारी सुविधाएं मिले। उनको सरकार की तरफ से नौकरी का आह्वान था, नहीं मिला, 1.5 साल हो गए। उनको सिक्योरिटी का मामला था, नहीं मिला। उनको गन का एक आश्वासन दिया था कि आपको गन का लाइसेंस दिया जाएगा, आज तक नहीं मिला। उनके परिवार आज भी कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं। ऐसे खूब सारे 17 मुद्दे हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, क्षत्रिय बंधु और क्षत्रिय बंधुओं के साथ जो राजपूतों के साथ हमेशा जो कौमें खड़ी रही है, उन सबसे आह्वान करना चाह रहा हूँ, ये जो मांगे ज्यादातर 1-2 मांग क्षत्रिय समाज की हो सकती है, 17 में से 15-14 मांगे तो राजपूत समाज हमेशा 3600 कौम के लिए मांगता है, आप लोगों के लिए रखी गई है। आप लोग आओगे, राणा प्रताप की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा आप करवाओगे, अगर उन दुर्दांत हत्यारों को पकड़वाने में जिन 2 वीरों ने मदद करी उनको नेशनल स्तर का हीरो अपन बनाए, उनमें अगर आप आओगे तो आइंदा से कोई भाई हमेशा तैयार रहेगा, किसी की कोई अगर दिक्कत आई, कोई गले काटने वाले ने अगर कहीं भी आवाज उठाई तो उनकी बराबरी में उनको जवाब देने के लिए वो आदमी खड़े रहेंगे। अगर मान मर्दन करोगे तो कोई खड़ा नहीं रहेगा, अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो कोई खड़ा नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा संख्या में 23 तारीख को पधारिए और उस ऐतिहासिक क्षण का आप गवाही बनिए। तैयारियों को लेकर बात की जाए तो कितने समाज से आप लोगों ने बात की है, और राजपूत समाज के अलावा भी और भी कई संगठन या दूसरे समाजों से चर्चा हुई है, वार्ता हुई है? देखिए, जब से पिछले 2-3 महीनों से यहाँ तैयारी चल रही थी, अभी मैं 15-20 दिन से यहाँ हूँ। कल मेरा अग्रवाल समाज से समाज की तरफ से न्योता था, उन्होंने हमें समर्थन दिया। ब्राह्मण समाज विप्र समाज ने हमें न्योता देकर बुलाया और समर्थन दिया। सिंधी समाज ने हमें बुलाकर न्योता देकर और हमें बाकायदा समर्थन दिया है। जैन समाज ने हमें समर्थन दिया है और खूब सारे समाजों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। ये वो समाज है जो हमेशा राजपूत के साथ खड़े रहे, चाहे भामाशाह के तौर पर, चाहे कोई हमें जो कभी भी आशीर्वाद रखते हो गुरुओं के तौर पर ब्राह्मण खड़े रहे। और सिंधी समाज जो सिंध से आए, उनका हमने इस्तकबाल किया था जब भारत आए थे, उनकी व्यवस्थाएं कराई थी, उनको रुकने में हमारे समाज के राजा रजवाड़ों ने जितनी उनकी व्यवस्था हो सकती थी करवाई, और आज भी वो लोग मानते हैं, वो लोग इसलिए हमारे साथ आ रहे हैं। खूब सारे समाज आना चाह रहे हैं, हर एक तरह का राजपूत, वांगड़ का राजपूत, मेवल 56 का राजपूत, मारवाड़ का राजपूत, यहाँ ढूंढार का राजपूत, और खुद मेवाड़ी जो हमारे वीर है, पहली बार इस लाखों की संख्या में खड़े हुए हैं हर जगह से। अभी मेरी मीटिंग है 12 बजे की, आपसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, 12:15 हो रही है, पर हर जगह हर एक 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे में मीटिंग है। आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, लाखों लोग आएंगे, तिल रखने की जगह नहीं होगी, बरसात भी होगा, अगर होए तूफान भी आए, हो सकता आए, आना जरूर, इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनना। और इस पल चल के माध्यम से हर मेवाड़ी वीर को बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी जाति बिरादरी के आप वहां आना, और क्षत्रिय बंधु जिन्होंने आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप, ऊंचाई पृथ्वीराज चौहान, घास की रोटियां खाई इस मेवाड़ की आन बान शान के लिए, एक दिन आना और ताकत देना अपने भाइयों को। तो ये थे हमारे साथ में श्री राजपूत कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराणा। पल पल दास्तान के लिए कुलदीप सिंह, उदयपुर।